अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर सोमपाल जिंदल आए दिन विवादों में बने रहते हैं। कभी MRI कर्मचारी के साथ तो कभी मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता करने के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां सतना जिले से उपचार कराने पहुंचे मरीज के परिजन को सिर्फ इसलिए सोमपाल जिंदल ने गाली गलौज की क्योंकि परिजन मरीज के बगल में जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, जिन्हें देखकर सोमपाल जिंदल ने आपा खोया और अभद्रता की। आरोप मरीज के परिजन ने लगाए हैं। उक्त वार्ड के अन्य लोगों ने भी सोमपाल जिंदल को दोषी माना है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ पुलिस अधीक्षक से भी की है और कार्यवाही ना होने पर कोर्ट तक जाने की बात कही। हालांकि डॉक्टर सोमपाल जिंदल को जैसे ही पता चला कि उनकी करतूतों का वीडियो बनाया जा रहा है तो गाली देते हुए अस्पताल से भाग निकले। सच्चाई यह भी है कि चिकित्सकों पर मानसिक दबाव रहता है, लेकिन मरीजों के परिजनों की भी भावनाएं चिकित्सकों को समझनी चाहिए। दूर दराज से लोग इस आशा के साथ आते हैं कि धरती का भगवान उनके मरीज को बचा लेगा। डॉक्टर जान तो बचाते हैं लेकिन कई बार अपना आपा खो देते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। आइए दिखाते हैं पूरी घटना का वीडियो, किस तरह से सोमपाल जिंदल ने आपा खोया और लोगों का क्या कहना है। ये देखिए इनका गुस्सा, देखिए डॉक्टर है, ये देखिए इनके इनके नखरे देखिए, ये डॉक्टर है, ये जिंदगी बचाते हैं, भगवान ने कहा था। अनिल सुचारी सर, मैं आपको ये भेज रहा हूँ अभी, बहुत बड़े ये जिंदगी बचाते हैं, गाली देते हैं, घरों देते हैं, आराम से भी तो बच सकते थे। तमीज से गाते हैं, आदमी गांव से आते हैं, हम पर आता अभी। ये देखिए कैसे मुंह छुपा के भाग रहे हैं, ये देखिए कैसे मुंह छुपा के भाग रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये गाली, इतने गुस्से में गाली दिए हैं आके डायरेक्ट। देखिए देखिए ये गाली देके भाग रहे हैं, ये डॉक्टर साहब है, ये कहते हैं हम मेन डॉक्टर है। लोग आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, इसमें कुछ कौन बोला है ये बताइए, क्या हुआ मैटर बताइए। डॉक्टर साहब वो लोग खाना खा रहे थे, आप लोग खाना खा रहे थे, डॉक्टर साहब बोले हराम को यहाँ वो बना के रखे हैं। हाँ, आते ही गाली देने लगे, ये प्राइवेट से आए हैं, हो सकता है जी, कहीं से आए हो, किसका गुस्सा उतार रहे हैं पता नहीं, पर गाली नहीं देना चाहिए।